चरखे दादरी के गांव मकडाना में मंगलवार की रात एक बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी उस वक्त हुई जब बुजुर्ग का भतीजा उसे ढूंढते हुए ठेके के पास पहुंचा, जहां बुजुर्ग का ट्रैक्टर भी खड़ा था। पूरा मामला अब से रंजिश का बताया जा रहा है। मृतक के भतीजे के मुताबिक वो अपने ताऊ के साथ खेत में काम करके घर निकल गया था। ताऊ ट्रैक्टर से घर के लिए निकला था, लेकिन जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो वो खुद ढूंढने के लिए बाहर निकला, जहां उसने गांव के ही 4 से 5 युवकों को लाठी डंडों के साथ देखा। इस दौरान आरोपी उसे देखकर भाग गए। और रात में खेत में 9 बजे ही निकले थे खेत में, तो फिर मैं सीधा बाइक ले घर चला गया और ताऊ घर पहुंचा नहीं। फिर मैं पैदल फिर दोबारा आया हूँ देखने खातर, तो बाइक ठेक के ऊपर खड़ी, ट्रैक्टर ठेक के ऊपर खड़ा था, तो मैंने सोची ट्रैक्टर को यहाँ क्यों रोक दिया। तो फिर जाके देखा तो वहाँ मेरे गांव के 4-5 जने थे, 4-5 बालक थे, तो उनने लठ डंडा थी कुछ वो करी थी। तो पीछे जाके देखा तो ताऊ की डेड बॉडी पड़ी थी, मतलब खून लहू लान हो रहा था। फिर वो मन ने देख कर भाज गए। फिर मैं वापस घर गया हूँ, मैंने अपने यार दोस्तों द्वारा फ़ोन कराया है, गांव के सरपंच द्वारा फ़ोन कराया, 112 नंबर पर फ़ोन कराया है। फिर पुलिस वाले भी 10-15 मिनट में पहुँच गए थे। फिर CCTV फुटेज निकलवाई है वहीं पर सारी। तो अभी किस मेरे गांव के हैं 4-5, रंजीश चल रही थी जी, 302 का मुकदमा हो रहा था, कार्रवाई बिल्कुल हो रही है। आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया? 48 साल के विजेंद्र की मौत की खबर जल्द ही पूरे गाँव में फैल गयी। पुलिस को भी जानकारी मिली तो टीम के साथ मौके पर पहुंची और FIR और FSL टीम और CIA ने मौके पर जाकर वारदात स्थल से सबूत जुटाने शुरू कर दिए, जिसके बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने गांव के 4 युवकों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। 48 साल के बुजुर्ग की किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट के माध्यम से उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने 4 व्यक्तियों के भाई नेम दिए हैं, लेकिन वो अपने घर के नहीं मिले हैं, उनकी तलाश जा रही है। जो आदमी मृतक है उसके केवल सिर पे चोट के निशान हैं, बाकी शरीर पे नहीं है। जांच के लिए DSP साहब मौके पे आए थे और अपनी CIA की दोनों टीमें और अन्य जो SP साहब के द्वारा टीम तैयार की गई है उस पर कार्य कर रही है। 302 और 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज है। अभी तक उन्होंने 4 के नाम भाई ने लिए हैं, बाकी जैसे किसी इंजन को पकड़ में आएगा तो वही बता पाएगा। CCTV फुटेज है, लेकिन उस मात्रा में नज़र नहीं आ रही है जिससे किसी का चेहरा नज़र आ जाए। पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज जरूर लगा है जिसमें आरोपी दिखाई दे रहे हैं, मगर उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। बहरहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।